हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लम्मा यूके में। दोस्तों, हमको बचपन से यही सिखाया जाता है कि चोरी करना गलत बात है, लेकिन मैं आज एक आपको ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ चोरी करने से ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। जी, देश भर में एक से बढ़कर एक चमत्कारी मंदिर है जिनकी वास्तुकला से लेकर स्वर्णिम इतिहास हमें अचरज में डाल देता है। दरअसल अधिकांश मंदिर 16वीं सदी से पहले के हैं। वहीं अगर बात करें देवभूमि उत्तराखंड की, तो यहाँ भी एक चमत्कारी व सिद्धपीठ मंदिर है, लेकिन ऐसा अनोखा मंदिर है जहाँ चोरी करने पर आपकी मनोकामना पूरी होती है। दरअसल यह मंदिर रुड़की के चुड़ियाला गांव में स्थित है। प्राचीन सिद्धपीठ चूड़ामणि देवी का एक चमत्कारी मंदिर है जहाँ नवरात्र के मौक़ों पर खासकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ सभी मनोकामना पूरी होती है, लेकिन लोक मान्यताओं के अनुसार ऐसा तभी संभव है जब आप यहाँ से चोरी करते हैं। भगवान शिव जिस समय माता सती के मृत शरीर को उठाकर ले जा रहे थे, उसी समय माता सती का चूड़ा इस घनघोर जंगल में गिर गया था, जिसके बाद यहाँ पर माता को पिंडी स्थापित होने के साथ ही भव्य मंदिर का भी निर्माण किया गया। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 1805 में लंढारा रियासत के राजा द्वारा कराया गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर एक बार राजा को शिकार के दौरान जंगल में माता के पिंडी के दर्शन हुए, उस राजा का कोई पुत्र भी नहीं था, तो राजा ने माता से पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा और उनकी मुराद पूरी हो गई। उसी से राजा ने मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे ज़्यादातर लोग यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए दर्शन करने आते हैं। दरअसल ऐसी मान्यता है कि अगर आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति करनी है, तो मंदिर में आकर माता के चरणों में रखा हुआ लोकड़ा यानी लकड़ी का एक गुड्डा चुरा कर अपने साथ ले जाना होता है। और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो आषाढ़ मास में अपने पुत्र के साथ माँ के दरबार में आना होता है। आम तौर पर माता चूड़ामणि देवी के दरबार में पुत्र प्राप्ति के लिए आते हैं। जोड़े जहाँ अपने साथ चुरा कर ले गए लोकड़े को साथ ही एक अन्य लोकड़ा भी अपने पुत्र के हाथों से चढ़ाते हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि यह प्रथा इसी तरह से सदियों से चली आ रही है, जिसके चलते आज भी गांव की बेटियों का विवाह के बाद में इस मंदिर में आकर लोकड़ा चढ़ाकर अपनी सुखी वैवाहिक जीवन के साथ ही पुत्र रत्न की प्राप्ति की भी प्रार्थना करनी होती है। उत्तराखंड में बसा यह प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर सदियों से ही श्रद्धालुओं की आस्था स्थली के रूप में केंद्र बना हुआ है। इसी वजह से आज भी यहाँ हजारों की संख्या में लोग माता के दर्शन करने के लिए दूर दराज से इलाकों से आते हैं। हालांकि यहाँ की शोभा सिर्फ नवरात्रों में ही देखने को ज़्यादा मिलती है। इस मंदिर में भव्य मेले का भी आयोजन किया जाता है। तो उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी।